हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि स्लोप क्या होता है, फिर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है, अगर स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, फिर अगर ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है जिसका मतलब वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, उसको कॉनकेव ग्राफ भी बोलते हैं। अगर कोई ग्राफ का स्लोप घट रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ ग्राफ के स्लोप घट रहा है, तो उसको ग्राफ को हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। अब जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, हमने एक्स टी ग्राफ पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़े थे। अब हम इन लोग के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो देखो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, ये क्या देता है, ये आपको स्पीड बताएगा। क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आप निकालते हो तो उससे क्या मिलेगा आपको? स्पीड मिलेगा। और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, ये क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा, क्योंकि ऊपर वाले में डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर दे रहा है। और इसमें क्या आ गया कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो गया, टाइम स्केलर है, तब ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक, तो अब हम लोग एसटी ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या बनाते हैं, एसटी ग्राफ। तो हमें क्या बनाना होगा, दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे। एक पे तो हमें लेना पड़ेगा टाइम, दूसरे पे लेना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या है कि अगर हम दो ग्राफ खींचते हैं, जैसे मान लो, अब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक ग्राफ ये खींचा और एक ग्राफ ये खींचा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसका कुछ स्लोप होगा और इसका कुछ स्लोप होगा। अगर हम यही स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, इसकी वेलोसिटी पता चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ने का डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर इस ए का वेलोसिटी निकालना है तो हमें इस ए का स्लोप निकालना पड़ेगा, अगर इस बी का वेलोसिटी निकालना है तो इस बी का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब हम स्लोप निकालते कैसे हैं, ये तो समझ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हमें अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हैं, हमने आपको बता रखा है कि अब देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, इस पे हमारा टाइम हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देख लो, मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, ये ग्राफ दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसका स्लोप निकालना, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि एसटी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, ये वी देगा आपको। ठीक, एसटी ग्राफ आपको क्या देगा, वी बताएगा। अब देखो, हमें इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो अगर इसका स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। हमने क्या किया, कहीं पे भी एक लाइन, यहाँ ली इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। और अब यहाँ पे इसी पॉइंट से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, बन गया ट्रायंगल। अब देखो, अब हमें निकालना है इसका स्लोप। देखो, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, हमें ये एंगल ही निकालना है,
ओके, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पहले ही लाइन ड्रॉ की हो ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमें टेन थीटा निकालना है, हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो हम टेन थीटा अप्लाई कर देंगे, आराम से हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ किया। तो अब जब ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पे कोई ये टाइम बढ़ रहा है, तो यहां पे मान लिया कोई टाइम टी वन हुआ और यहां पे कोई टाइम टी टू है, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस अगर ये निकालना है, ये कितना टाइम लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, टी टू माइनस टी वन। टी टू यहां से यहां तक है, टी वन यहां से यहां तक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टी टू माइनस टी वन। समझ में आया। अब चलो, अब हम इस वाई एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ किया। अब ये कोई डिस्टेंस होगी एस वन, ये कोई डिस्टेंस होगा एस टू, ये डिस्टेंस एस वन यहां से यहां तक है और ये एस टू यहां से यहां तक है। अगर ये डिस्टेंस हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस टू माइनस एस वन करना पड़ेगा। ये अब हम यहां से अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा टेन थीटा होगा, और टेन थीटा अगर यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यही है। तो ये हमें क्या निकल गया, ये हमारा स्पीड निकल गया, वेलोसिटी निकल गई। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। समझ में आया, ओके। चलो, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात की, जब हम ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तब के बारे में बात की। अब चलो आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चल ध्यान से देखना बच्चों, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें समझ गए तो बहुत काम देने वाली हैं, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये सब काम देगा। ओके, चला जाएगा। चलो अब देखो, जैसे हमें ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। एक और ग्राफ बनाते हैं, ये पे ये हमारा टाइम हो गया, इस पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब देखा जाए ग्राफ कैसा है, ग्राफ वही पिछले की तरह, ये ग्राफ हमारा ऐसा है, एक ग्राफ हमारा ऐसा है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब इस ग्राफ को हम लोग प्रीवियस क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे टाइम के साथ ये ग्राफ बढ़ता है तो इसका स्लोप बढ़ता है। देखो यहां पे क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालें तो ये देखो ये एंगल छोटा है, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये देखो ये एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे ग्राफ पे आगे बढ़ोगे इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग विथ टाइम। ये ग्राफ क्या है, ग्राफ इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन, क्योंकि अब ये जब इसका स्लोप बढ़ेगा, और हमने यहाँ बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारा कैसा मोशन है, ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसके साथ इसका स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। अब चलो भाई यहाँ पे बात करते हैं, मान लो हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, तो ये आया, अब ये थीटा कुछ और है, और हमने यहाँ पे स्लोप निकाला, इसको पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये थीटा कम आ गया, इसका मतलब है अब इसका ये क्या है, ग्राफ डिक्रीजिंग, विथ टाइम ये ग्राफ क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। जब स्लोप डिक्रीज कर रहा होता है तो इसका मतलब उसका स्लोप ही वेलोसिटी है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन या डीएसेलरेटेड मोशन, और डीएसेलरेटेड मोशन और डीएसेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये समझ गया। तो इसका मतलब एक चीज अब फाइनल हो गई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अब अगर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब वो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। लेकिन अब जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन न होगी, कर्व्ड लाइन होगी, तो वहाँ पे दो केसेस राइज होंगे, या तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो हमारा रिटार्डेड मोशन होगा। ओके, नोट कर लिया, नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। इरेज किया जाए बच्चों, चलो अब ये तो बात हो गई हमारी स्पीड टाइम ग्राफ की। अब हम दूसरा ग्राफ जो पढ़े थे अब उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा ग्राफ कौन सा पढ़े थे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे या स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे? तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ slope of speed time graph gives, ये क्या देता है भाई, ये देता है acceleration, speed time graph का slope क्या देगा आपको, acceleration देगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग speed time graph खींचते हैं, तो speed time graph खींचने के लिए एक एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, दूसरे एक्सिस पे हमारी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब अगर हम यहां पे ग्राफ खींचें, मान लिया एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी। अब देखो यहां पे, तो इसका स्लोप तो कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो जब स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी। यहां से यही मिल रहा है ना, ए का स्लोप बी से छोटा है,
तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा ए का बी से। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग निकालते हैं, सेम वही मेथड है एक्सेलरेशन निकालने का, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई भी एक ग्राफ ले लिया, मान लिया हमारा ये ग्राफ है। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हमें इसके स्लोप की जरूरत पड़ेगी। स्लोप निकालने का तरीका वही है जो हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था, कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मान लिया टाइम टी वन है, ये टाइम टी टू है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, टी टू माइनस टी वन हुआ। चलो भाई अब इधर चलते हैं, इधर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये मान लेते हैं वेलोसिटी इस पॉइंट पे वी वन थी, इस पे वेलोसिटी वी टू थी। तो ये जो हम डिस्टेंस के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये वी टू माइनस वी वन आएगा। अब हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। किसका स्लोप, वी टी ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ये क्या आएगा भाई, टेन थीटा ही आएगा, क्योंकि टेन थीटा लिया हुआ है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया, वी टू माइनस वी वन, ये क्या हो गया, टी टू माइनस टी वन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। क्या मिल गया, एक्सेलरेशन हमको मिल गया। तो ये वी टी ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, याद रखिएगा। ओके, हो गया भाई, इरेज किया जाए, इरेज किया जाए बच्चों ने। चल अब चलो भाई, अब आगे चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, नोट कीजिए कि टोटल एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, जो टोटल एरिया होती है, टोटल एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, टोटल एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या देता है भाई, टोटल एरिया क्या देगा, ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज गिव्स टोटल डिस्टेंस। क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ
गिवेन टाइम इंटरवल, गिवेन टाइम इंटरवल में जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या देगा, वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल देगा, या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाइंड फ्रॉम द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, उसका एरिया अगर आप निकाल लेते हो, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया निकालते हो तो उससे क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब देखो कैसे नहीं, कैसे मिलता है, अब इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर वेलोसिटी है, इधर हमारा क्या है, टाइम है। अब हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ जो दिया है तो यहां पे मान लेते हैं कि हम इतने देर में कितना डिस्टेंस चला वो निकालना चाहते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ है, मतलब ये देखो, अब यहाँ से इसका एरिया अगर आपको निकालना है, ये मान लिया कि इसका एरिया जो है A1 है, और इसका एरिया जो है A2 है, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ये होगा जितना इसका एरिया होगा A1 प्लस A2। आप निकाल लो तो इससे क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। अगर मान लो एक ग्राफ और दिया है, ये हमारा टाइम हो गया, इधर हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक। और आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया है, और मान लो कि आपको इसने एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे दिया इसने A1, इसका एरिया इसने दे दिया A2, इसका एरिया दे दिया इसने A3। ये एरिया दिए गए हैं, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे तो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो एरिया का सम हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, डिस्टेंस तो एरिया का सम होगा, सीधे सीधे एरिया जोड़ दो डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ देता, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अब चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता वो A1 माइनस A2 प्लस A3 हो जाता। क्यों भाई, अब ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि अब देखो ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वेलोसिटी निगेटिव है, तो इसका मतलब जो इसका हम साइन के साथ लेंगे तो A2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो हमें A2 को निगेटिव रखना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, ये समझ गए।
कोई दिक्कत समझने में? होनी तो नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो, तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अब जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, अब हम लोग उसको ग्राफ से फाइंड करेंगे। वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अब बच्चे क्या करते हैं, जो जनरल मेथड पढ़ते हैं उसी से निकाल के चले जाते हैं, पूरा नंबर जीरो हो जाता है। तो हम आपको सिखाएंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं, वो उसमें यही सब कॉन्सेप्ट यूज होने होंगे, इसलिए मैंने आपको इसको पढ़ा दिया। ठीक है, तो बच्चे चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।